हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे डेली लाइफ डायरी चैनल पर स्वागत है। बने रहिएगा हमारे चैनल पर, वीडियो को पूरा देखिएगा। तो आज हम लेकर के आए हैं मटन मसाला, और वीडियो पसंद आएगा तो अधिक से अधिक लाइक शेयर कर दीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच पाए। आप अपना प्यार सहयोग हमें ज़रूर दीजिएगा, इसके लिए हमारे तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए चलते हैं बनाने। अब तो 1 केजी मटन है, तो हमने 1 केजी से थोड़ा सा कम, 100 ग्राम 200 ग्राम कहिए, प्याज लिया है, साथ में अदरक लहसुन और मिर्ची है। लहसुन 2 गांठ है, मिर्ची स्वाद के अनुसार, अदरक भी उसी अनुसार है। इधर फ़ौरन के लिए हमने 2 मिर्ची, तेज़पत्ता और डब्बा में जीरा है, तेल ले लिया है। अदरक लहसुन मिर्ची का पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट बनाने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर है। इसके साथ हम ऐड करेंगे 2 चम्मच भर करके है मिक्स मसाला पाउडर, जिसमें बराबर बताते हैं कि मिक्स मसाला पाउडर में जीरा, धनिया, मिर्ची, काली मिर्च, लाल मिर्च, गरम मसाला पाउडर, सब कुछ मिक्स रहता है। इसके साथ हम ऐड किए 2 छोटी चम्मच से काश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर है, और स्वाद के अनुसार हम नमक डालेंगे। ऐसे मटन में हल्का ही सही रहता है, तीखा थोड़ा सही नहीं होता। इसके बाद सब कुछ हमने ले लिया है, साथ में 2 टमाटर भी ले लिए हैं, और चलते हैं अब बनाने, क्योंकि हमको चूल्हा पर बनाना होता है नॉन वेज। तो मटन को हमने धो करके ले लिया है। इधर कढ़ाई भी गर्म हो चुका, और सरसों तेल डाले, साथ में मिर्ची, तेजपत्ता, जीरा और प्याज डाल दिए बारी बारी से। उसके साथ हम मटर में जो भी मसाला ऐड किए थे सबको एक साथ मिला करके छोड़ दिया है। जब तक इधर प्याज थोड़ा फ्राई होगा, जैसे ही हल्का फ्राई हो गया उसमें हम ऐड कर दिए मटन को। और इसको मिला देंगे। मिलाने के बाद हम इसको अच्छा से ढक्कन से ढक देंगे, और जलावन जो है उसको हम मीडियम बना करके रखेंगे। ज़्यादा तेज़ आंच नहीं देंगे। जैसे जैसे ये प्याज गलता जाएगा, इसमें ग्रेवी आना शुरू हो गया है, और नमक रखा हुआ इसलिए गल रहा है मटन भी साथ में और प्याज भी। इसी से पानी जो बना है उसी में मटन पकेगा। और साथ में हम ऐड कर दिए 2 टमाटर है, सो
इसमें पकने के बाद ये बिल्कुल गल जाएगा और मिक्स हो जाएगा। ये थोड़ा अभी नहीं गला हुआ है तो फिर हम इसको ढक करके चला के छोड़ देंगे, अगले बार इसको मिला लेंगे। तो इस तरह से हम आज मटन बना रहे हैं। मटन मसाला बहुत ही स्वादिष्ट टेस्टी बनता है, खाने वाले उंगलियां चाट चाट करके खाते हैं। तो ये अब गल चुका है टमाटर, इसको हम मिक्स कर दिए और बराबर 5 से 10 मिनट पर हम ढक्कन हटा करके मटन को चला लिया करेंगे। तो देखिए कलर अभी भाप से सही से नहीं दिखता है, मतलब बहुत ही सुनहरा कलर है मटन का। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे छोटी चम्मच, एक चम्मच है गरम मसाला पाउडर। गरम मसाला से टेस्ट सही रहता है मटन का। तो दोस्तों आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। पसंद आया होगा तो अधिक से अधिक लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो बहुत ही टेस्टी और परफेक्ट बना है मटन मसाला। आप इसको रोटी, पराठा, कचौरी, चावल जिसके साथ आपको पसंद ज़्यादा है आप खा सकते हैं। तो हमारा मटन बनकर तैयार हो चुका है। अब इसमें हम थोड़ा सा धनिया पत्ता को ऐड कर दिए और मिला देंगे। तो बहुत ही अच्छा कलर है मटन का, बहुत अच्छा बना है। बाय बाय दोस्तों अपना प्यार सहयोग हमें ज़रूर दीजिएगा, अधिक से अधिक लाइक शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा हमारे चैनल को, ताकि आपका प्यार सहयोग हमें ज़रूर से ज़रूर मिल सके। बाय।